एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात करेली कि आप मंदिर में जाओ, राम की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, कि भगवान शिव की मूर्ति, कोई माता जी की मूर्ति हो, पर मूर्ति नी सामे आप उभा रहो तो मूर्ति ना दर्शन अवश्य थया अपने, पर मूर्ति कोई नी साथे वातो नहीं करती। पछी भले कोई संत ना जीवन में कोई घटना बनी हो, मूर्ति डोली हो, मूर्ति बोली हो, मूर्ति जवाब आप, ये तो अपवाद रूप एक छे। बाकी सामान्य जन आपड़े जाऊ मंदिर में जन उभा रही तो आपड़े हमें कहीं मूर्ति बोले नहीं, मूर्ति वातो न करे, मूर्ति डोले पण नहीं, पण भगवान ना एक वांगमय स्वरूप आपड़ा ग्रंथों आपड़ा पुराणों ये आपड़ा माटे बोलती मूर्ति छे। आप पुराण ने खोलो नजर करो तो ये समय आ पुराणों आपड़े साथे वातो करे छे। जेम जेम तमे पुराण नो अध्ययन करो तेम तेम ये आंखनी सामे बधा चित्रों नजर समक्ष आवे छे। जेम जेम कथा ने वाँचो तेम तेम ये बधुज आपणे नजर में रंगबेरंगी देखाय। आप सौने अनुभव हो के न हो, पर जे मानस ओतप्रोत बनी ने पुराण नी अंदर पोतानो चित्तमन ने समर्पित करी ने जे पुराण नो अध्ययन करे छे तेने अक्षर नी अंदर ये अक्षर न बताय, पण जे प्रभु नी लीला होय तेना चरित्रो देखाय। अनेक कथाकारोनो पण अनुभव छे, कथाकार जरे कथा कहे छे त्यारे तेमनी सामे जे बोले छे ते पात्रो बधा ज आम नजर सामे देखाता होय छे। जे नजर सामे जे बोले छे ते देखाय छे ने तेने जोई जोईने वर्णन करे छे, अने जे कथाकार ने कथा करता करता जे पात्रो देखाय छे अने जोईने वर्णन करे छे ते कथाकारो कथा क्षेत्र में सफल थाय छे। बाकी जेमने न देखाय एमने सफलता मेळवी बहु ज कठिन होय छे। शब्द चित्र एवं खड़ू थी जत हो, कोई पण कथा नी रजूआत करता हो तरह एज पात्रो एज बधु रहस्य जेम आपणे पिक्चर जोता है नाटक जोते ने सामे पात्रो देखाय एवी रीते पात्रो देखाता हो। कारण क्यों? कारण एक ज के भगवान नी कथा ए भगवान नु स्वरूप छे। भगवान नु स्वरूप होवाने कारणे जारे भगवान नी कथा सांभळी अने कथा कहे छे त्यारे भगवान ना रूप ए बधा पात्रो आपणे नजर नी सामे आवे छे। तो भगवान व्यास जी समग्र विश्वना कल्याण माटे जीव मात्रना सुख माटे आ शिव महापर्णनी सुंदर रचना करी छे। शिव महापर्णनी अंदर प्रथम पांच श्लोक ए प्रश्नार्थ छे। आपड़ा ग्रंथों आपड़ा धर्मशास्त्रों ए बधा संस्कृत भाषा में लखायेला छे अने आजकल संस्कृत भाषा शीखनारा पण बहु ओछा छे। आपणो बाळक अंग्रेजी में भणतो होय तो आपणे बहु गौरव अनुभवीए कि मारुं बाळक अंग्रेजी में भणे छे। गौरवनी वात सारी पण वात छे, अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी बोले, इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोले, ए बहु सारी वात कहेवाय। पण आपणी भारतीय संस्कृति आपणी परंपरा ए संस्कृत भाषा नी अंदर रहेली छे। संस्कृत भाषा ए देवताओनी भाषा छे, तो तेने समजवा माटेनो नव दिवस माटे आपणे सौ भेगा मळीने एक प्रयास करवानो छे। भगवान व्यासजीए समग्र जीव मात्रना कल्याण माटे आ ग्रंथनु गान कर्यु छे अने प्रथम सुंदर एक मौखिक कथा के एक युगना महात्माओ अनेक अलग अलग मत मतांतर वाला, कोई महात्मा एवो दावो करे छे कि ध्यान सर्वोपरि छे, ध्यान थी नज भगवान भगवान मळे एवो एमनो दावो छे। एमने समय बीजा एक महात्मा एवो दावो करे छे कि ध्यान थी मळे कि न मळे हूँ ए न मानू, तप थी भगवान मळे। त्रीजा महात्मा एम कहे तप थी नहीं सेवा थी भगवान मळे छे। बीजा महात्मा एम कहे कि नहीं पूजा अर्चन थी भगवान मळे, कोई कहे नहीं दान थी भगवान मळे छे, कोई महात्मा एम कहे यज्ञो करवाथी भगवान मळे छे, कोई कहे सत्संग करवाथी भगवान मळे छे। अनेक मत मतांतरना महात्माओ बधा पोतानो मत रजू करे छे। अंते समग्र महात्माओ वच्चे विवाद उभो थयो। कोई महात्मा के आ पंथ सर्वश्रेष्ठ छे, कोई महात्मा के आ पंथ मां जाओ तो ये पंथ सर्वश्रेष्ठ छे। जैसे संप्रदाय नो मारो मानव आ युग मां भ्रमित थयो छे कि मारे हूँ करवो जोई, मारे राम ने भजवा जोई कि कृष्ण ने भजवा जोई, भगवान स्वामी ने भजवा जोई, गणेश ने मारे याद करवा जोई, भगवान शिव ने याद करवा जोई। मानव भ्रमित थयो छे मारे क्या भगवान ने पकड़वा, एटलो मानसिक रीते भ्रमित थयो छे मानव। तेज प्रमाणे समग्र महात्माओ पोतपोताना मत ने लईने भ्રમિત થયા અને વિવાદ એક ઊભો થયો અને સમગ્ર મહાત્માઓએ નિર્ણય લીધો કે આપણા વિવાદનો કોઈ અંત નહીં આવે,
एक काम करिए आपणे बधा ज भेगा मळी ब्रह्माजीनी पासे जईए अने पितामह ब्रह्माजीने आपणे कहीए अने समग्र महात्माओ भेगा मळीने पितामह ब्रह्माजीनी पासे ब्रह्मलोकमां गया अने ब्रह्माजीने आगळ आ बधी ज वातो रजू करी छे। ब्रह्माजी एक ज वस्तु कही के सांभळो महात्माओ, तमारा प्रश्ननो जो तमने निराकरण करवो होय तो आपसो भेगा मळी प्रयाग तीर्थ पर जाओ अने प्रयाग तीर्थ में जाई आपसो ज्ञान यज्ञ करो, भगवत शास्त्रों नो अध्ययन करो, तमारा प्रश्ननो निराकरण आवी जशे। समग्र महात्माओ ए प्रयाग तीर्थ में आवे छे जहाँ गंगा यमुना अने सरस्वती विद्यमान छे। जे तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नथी, जे तीर्थ समग्र तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, सर्वोपरि तीर्थ है, समग्र तीर्थों राजा छे, समग्र तीर्थों मालिक छे, अधिष्ठाता छे। ए प्रयाग तीर्थ ने आ बधा ज महात्माओं आगमन थाय छे अने सर्व महात्माओं निर्णय लीधो कि आपणे ज्ञान यज्ञ करिए। पण ज्ञान यज्ञ बधा ज करवा लागे तो केवी रीते थई शके? आपणामांथी कोण चतुर छे ज्ञान यज्ञ करवाने माटे? बधा ज एक साथे बोलवा लागीए तो ए तो बधो एनो ए विवाद रहे छे। हवे करवुं शुं आपणे? असमंजसमां पड्या समग्र महात्माओ के कोण यज्ञ करे, कोण बोले ने कोण सांभळे? बधा ज बोलवा लागे तो कोण सांभळे, कोण बोले? ए निर्णय लेवातो नहीं हतो। ए समय भगवत कृपा थई अने भगवान वेदव्यासना सदशिष्य अने भगवान महादेवना परम भक्त एवा सुतजी महाराजनो आगमन प्रयाग तीर्थमां थाय छे। अने सुत तो एम ज आव्या हता प्रयाग तीर्थनी अंदर के महात्माओनो एक मेळो थयो छे तो लाव मैं जाऊं ने समग्र महात्माओं दर्शन करूं। महात्माओं दर्शन करवा मात्र थी मारू कल्याण थशे। समग्र महात्माओं दर्शन करवाने हेतु आ सुतजी महाराज प्रयाग तीर्थ में आवे छे। हवे सुत ने आवता जोया तो समग्र महात्माओं ने खबर हती कि आ सुतजी महाराज कोई पण वात कोई पण कथा ए कहेवामां बहु कुशल छे, समग्र पुराणोना निष्णांत छे। आ तो आवी गया छे सुतजी, प्रभुनी कृपा थई छे तो आपणे सौ आ सुतनुं सन्मान करीए। અને એક સંખ્યા નહીં, મોટી સંખ્યા, મોટી સંખ્યા એટલે 88,000 મહાત્માઓ, એ સમગ્ર મહાત્માઓએ સુતનું આગમન અને સ્વાગત કર્યું છે। અને સુતજી મહારાજ જ્ઞાની છે, વિદ્વાન છે, પવિત્ર પુરુષ છે અને કોઈ પણ વાત રજૂ કરવામાં બહુ કુશળ મહાત્મા છે। અને સમગ્ર મહાત્માઓએ માન સન્માન આપીને એક સુંદર આસન ઉપર બિરાજિત કર્યા છે અને સમગ્ર મહાત્માઓએ વિનંતી કરી કે આપ અમને પુરાણોની કથા કહો। અને પ્રયાગ તીર્થમાં એક જ પુરાણની કથા નથી થઈ, 18 પુરાણોની કથા કોઈ તીર્થમાં જો થઈ હોય તો એ પ્રયાગ તીર્થ છે। માટે પ્રયાગ તીર્થનો બહુ જ મહિમા છે, સર્વ કથાઓ એ સુતે પ્રયાગ તીર્થની અંદર કહી છે।